हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं, तो आज मैं आपको ग्राफिकल मेथड बता देता हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने की, और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे तो वहाँ पर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। वेलोसिटी जिसे हम वेग बोलते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम, जिसे हम समय बोलते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए सिंपली मैं इनिशिएट करता हूँ यहाँ से, तो एक यहाँ की डिस्टेंस हो जाएगी, और यहाँ से मैंने इनिशिएट किया है इस पॉइंट को, ठीक है। इसको मैं नीचे मिला देता हूँ, इस पॉइंट पर मिल रहा है। अब आगे की नेमिंग दे देता हूँ, तो नेमिंग कुछ की गई है। सबसे पहले ओ ए बी, यहाँ पर सी डी, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और सी डी देख लेते हैं एक बार ये करेक्ट है कि नहीं है। हाँ सही है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग दे दी है हमने, अब मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या है। सबसे पहले तो ओ से लेकर ए तक जो है, ओ से लेकर ए तक ये है यू, ठीक है, ये पूरा क्या है यू। अब आपको दिख रहा है कि ओ से लेकर यहाँ तक इस वाले पॉइंट तक अगर मैं बी को भी ज्वाइन करता हूँ, बी को यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है और उसे बी बोला गया, तो यहाँ पर अगर मैं बी को भी ज्वाइन कर देता हूँ इस पॉइंट पे, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या है बी है, ठीक है। अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस की बात करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या है बी है, और इतने डिस्टेंस अगर यहाँ पर यू है तो यहाँ पर भी इतने डिस्टेंस क्या होगी यू होगी, तो यहाँ पर हमने यू बना दी, ठीक है। अब ये बची हुई डिस्टेंस बी से लेकर सी तक ये क्या हो जाएगी, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ वी माइनस यू। क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि ये पूरा v था, v में से u को माइनस कर दिया, तो क्या ये हमारा v माइनस u। ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस है हमारी o से लेकर d तक की, ये डिस्टेंस क्या है टाइम t है, ठीक है, क्योंकि ये अगर v है वेलोसिटी है तो ये क्या है टाइम है t, तो अगर ये t है तो ये वाली भी क्या होगी t होगी। इस तरीके से आपको पहले तो ग्राफ डिजाइन करना है, और यहाँ पर इसकी नेमिंग देना है कि क्या यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हमने ग्राफ डिजाइन कर लिया, हमें पता चल गया कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर लाई करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तीनों इक्वेशन हम इसी ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इसी ग्राफ में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम सॉल्व करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। इस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो वेलोसिटी वेलोसिटी है हमारे पास, u इनिशियल वेलोसिटी भी है हमारे पास, टाइम भी यहाँ पर ग्राफ में प्रेजेंट है, a एक्सेलरेशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, एक्सेलरेशन निकालता हूँ। वी नो दैट क्या होता है एक्सेलरेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है, वेग में परिवर्तन अपॉन में समय। अब आते हैं आगे, तो एक्सेलरेशन अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक्सेलरेशन क्या है, ये है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, v माइनस u को, ये वाली लाइन, ठीक है, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ये वाली लाइन। तो मैं यहाँ पर a की अगर बात करता हूँ तो a किसके बराबर होगा, a यहाँ पर बराबर होगा bc अपॉन में ac के,
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BC अपान में AC। अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, BC अपान में AC परपेंडिकुलर ही हो जाएगा और ये अपान में बेस हो जाएगा। क्या यहाँ पर BC अपान में AC दे दिया हमने। अगर मैं BC की वैल्यू देखता हूँ तो B से लेकर C तक की वैल्यू क्या है, बी माइनस यू। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी माइनस यू अपान में AC की बात करता हूँ तो कितना है वो टाइम है। क्या यहाँ पर लिख दिया मैंने टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई टी को मैं इधर भेज देता हूँ तो वी माइनस यू बराबर ए इंटू टी हो जाएगा ए टी। माइनस यू को मैं उधर भेजता हूँ तो वी बराबर यू प्लस ए टी। और यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सेलरेशन निकालेंगे। ए इज इक्वल टू अगर देखेंगे तो बी सी अपॉन में ए सी। बी सी की वैल्यू हमारी होती है वी माइनस यू अपॉन में टी। सॉरी, BC की वैल्यू हमारी दी हुई है यहाँ पर बी माइनस यू। बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस क्या है, बी माइनस यू, तो मैंने यहाँ पर बी माइनस यू लिख दिया। AC की डिस्टेंस क्या है, टी, तो मैंने यहाँ पर टी लिख दिया। टी को इधर भेजते हैं, बी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। और वहां पर हमने वापस से उसको भेज दिया V की वैल्यू निकालने के लिए। और V की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, यहाँ पर V की वैल्यू आ गई है U प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमारी डिस्क्राइब हो गई है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन पहले मैं नोट कर देता हूँ। सेकेंड इक्वेशन हमारी डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड है, जैसे कि हमने देखा था विस्थापन पर बेस्ड है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन में टू ए टी स्क्वायर। ठीक है, हमें ये प्रूफ करनी है, एक बार मैं चेक कर देता हूँ। एच इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन में टू ए टी स्क्वायर। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं वो देखिए। मैं यहाँ पर क्या निकालने वाला हूँ, ए बी डी ओ का एरिया। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ ए बी डी ओ। अगर मैं एरिया ए बी डी ओ का निकालता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसको सिंपली लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एओडीसी। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि क्षेत्रफल हम निकालेंगे पहले तो इस त्रिभुज का और फिर क्षेत्रफल निकालेंगे इस आयत का, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा एबीडीओ का, मतलब क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा एबीडीओ का। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल का हमने एरिया निकाल दिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ। तो मैं आपको लिख देता हूं ए सी डी ओ। ठीक है, ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस हो जाएगा यहां पर आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हिंदी मीडियम वालों को लिखना है, आप इसको नोट कर देना। ठीक है, मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ क्योंकि इतनी जगह है नहीं हमारे पास ये सारी चीजें लिखते हुए हम चल पाए, तो इसको आप पहले नोट कर लो फिर उसके बाद मैं आगे के स्टेप आपको बताता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे निकालना है एरिया किसका, एरिया ऑफ ए बी डी ओ बराबर, तो सबसे पहले एरिया मुझे किसका निकालना पड़ेगा, ए बी सी का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में 2 परपेंडिकुलर बेस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 अपॉन में 2 BC इनटू AC, ये हो गया AC प्लस रेक्टेंगल का क्या होता है, तो रेक्टेंगल का आपको पता होगा कि होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लंबाई मतलब चौड़ाई। तो लंबाई इसकी क्या है, तो मैं यहां पर लंबाई ले लेता हूं OA या फिर AO और चौड़ाई ले लेता हूं यहां पर OD या फिर AC, आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो। ये पूरा हमारा रेक्टेंगल है, इन दोनों में से एक चौड़ाई ले लो और इन दोनों में से एक लंबाई ले लो। तो मैं यहां पर ले लेता हूं OA into AC। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो 1 अपॉन में 2 BC की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो B माइनस U है, AC की अगर वैल्यू निकालूं तो क्या है T है, तो यहां पर मैंने रख दिया T प्लस OA की अगर मैं वैल्यू देखता हूं O से लेकर A तक तो वैल्यू क्या है U है मल्टीप्लाई AC की अगर मैं वैल्यू देख रहा हूं तो क्या है T, यहां पर आ गया T। ठीक है,
अब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 1 अपॉन में 2 vt माइनस ut प्लस ut, ठीक है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हमने इसको कैलकुलेट किया तो यहां पर क्या आ रहा है, b माइनस u मल्टीप्लाई t प्लस ut। तो अगर मैं यहां पर वैल्यूज रख देता हूं डायरेक्टली, जैसे कि मैंने यहां पर रख दी vt और ut, t का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर ut कर देता हूं, तो ये तो ut हो जाएगा, लेकिन ut से ut कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये नहीं बनता है, क्योंकि हमें यहां पर भी क्या चाहिए, ut चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले v में वैल्यू रख देता हूं, क्या v u at, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था, तो मैं इस वाले v की जगह क्या रख देता हूं, उसकी वैल्यू रख देता हूं। तो यहां पर रखना 1 upon में 2 u plus at, तो मैं यहां पर रखता हूं u plus at minus u multiply t plus u into t। इसमें कोई डाउट, हमने क्या किया है, सिंपली v की जगह पर उसकी वैल्यू रख दी है, जो कि क्या है u plus at। तो अब यहां पर क्या हो गया है, u plus at। अब मैं इसको अगर ओपन करता हूं तो ये किस तरीके से होगा, 1 upon में 2 u plus at minus u वहां t plus ut, u से u cancel, 1 upon में 2 at multiply t plus ut। यहां पर अगर हम देखते हैं तो at square हो जाएगा, तो 1 upon में 2 at square plus ut बराबर क्या चल रहा है, एरिया ऑफ ए बी डी ओ। अगर मैं ए बी डी ओ का एरिया देखूं तो यही क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यही हमारा विस्थापन है, तो विस्थापन को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, एस से, ठीक है। इसके बाद आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, एस लिखोगे। अगर मैं एस की बात कर रहा हूं, एस क्या है, यहां पर विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो एस इक्वल टू 1 अपॉन में 2 ut, तो इसको मैं जमा कर लिख देता हूं, ut प्लस 1 अपॉन में 2 at स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हमने कौन से डिराइव किए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहां पर डिराइव कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, तो इसको रफ कर देता हूं थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अब थर्ड इक्वेशन में यहां पर हमें साफ दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं ए बी डी ओ की, तो ये किससे मिलकर बना है, ट्रायंगल से, और एक रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसको हम एक ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, अगर हम हिंदी में बोले तो इसे हम समलंब चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो अगर समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की मैं बात करता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की मैं बात करता हूं, तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में 2, अगर मैं यहां पर एरिया, पहले तो मैं वो वैल्यू लिख देता हूं, v square is equal to u square plus 2as, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं इस ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूं, ट्रेपेजियम में सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, यहां पर ट्रेपेजियम हमने कौन से लिया है, abdo is equal to 1 upon में 2 सबसे पहले तो इसका, तो यहां पर अगर हम करेंगे तो सबसे पहले आपको दिख ही रहा है 1 upon में 2 एरिया, तो ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, यहां पर OA OA plus BD, क्योंकि समांतर भुजाओं का जो भी पैरेलल उसकी टर्म्स हैं, तो यहां पर OA है और इधर कौन सी है BD, तो यहां पर OA और BD समांतर चतुर्भुज, समांतर जो भी इनकी भुजाएं हैं साइड्स हैं पैरेलल, उनका योग, तो उनका मैं जोड़ कर देता हूं, यहां पर OA plus BD, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फॉर्मूले में आगे है मल्टीप्लाई उनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। अब देखो ट्रेपेजियम की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, यहां पर आपको बताता हूं कैसे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम जब ट्रेपेजियम के एरिया की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो उनका जो भी पैरेलल साइड से, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, और ये ई है, तो अगर ये पैरेलल साइड्स की बात करता हूं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, तो दोनों का मैंने योग कर दिया, ठीक है। यहां पर थी BD और यहां पर थी OA, तो मैंने OA plus BD दोनों का योग कर दिया। मल्टीप्लाई में इन दोनों साइड्स के बीच में, इन दोनों भुजाओं के बीच में डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो मैं यहां पर देख रहा हूं CE और यहां पर क्या देख रहा हूं AC, तो मैं यहां पर डायरेक्टली क्या लिख दूंगा AC, ठीक है, आया समझ में। तो हम यहां पर डायरेक्टली क्या लिख देंगे AC।
अब यहाँ पर जो आपको समझने वाली चीज है वो ये है कि एरिया ऑफ रिप्रेजेंट की अगर मैं बात करती है, बेसिकली है क्या, एस है, तो मैं इसको एस लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट डी ए बराबर वन अपॉन ए टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ए सी। आप ए सी की जगह पर ओ डी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ए सी इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इसका यूज करने वाला हूँ। आपको पता है वी नो दैट, क्या पता है हमें कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर बीसी अपॉन में एसी। मैं पहले भी फर्स्ट इक्वेशन जब हमने प्रूव करी थी तब मैं आपको बता चुका था कि करंट किसके बराबर होगा यहाँ पर, ए किसके बराबर होगा बीसी अपॉन में एसी के। तो अगर मैं एसी की वैल्यू निकालूं तो बीसी अपॉन में ए हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में प्रूफ पुट कर देता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो एस इज इक्वल टू वन अपॉन में टू OA, तो सबसे पहले OA की वैल्यू क्या है U, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ U प्लस BD, तो BD की वैल्यू क्या है देखता हूँ मैं, B से लेकर D तक क्या है ये V है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया प्लस V। अब यहाँ पर देखते हैं BC अपॉन में A दिया हुआ है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मल्टीप्लाई BC, BC क्या है, अगर मैं BC की बात करता हूँ तो V माइनस U है, तो यहाँ पर हो गया V माइनस U अपॉन में A की अगर मैं बात करता हूँ तो A क्या है यहाँ पर, तो A अगर मैं देख रहा हूं तो A तो सिंपली A ही है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं A। अब आप देखो S is equal to, ये तो 2A हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं U plus B या फिर B plus U लिख देता हूं, A की बात है B plus U V minus U upon में 2A, तो V plus U V minus U किसका फॉर्मूला है A square minus B square का, 2A को मैं इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा 2AS बराबर, आई होप आपको ये दिख रहा होगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, माइनस u स्क्वायर को अगर मैं इधर भेजता हूं तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है लेकिन यहां पर हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां पर खत्म कर लिए, ठीक है। स्टार्टिंग की हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से जैसा हमने सेकंड इक्वेशन में किया था, तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाता हूं तो 1 / 2 OA + BD, क्योंकि पैरेलल जो साइड्स है यहां पर वो ये दोनों है, दोनों का हमने सम कर दिया मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है वहां पर AC है, तो मैंने AC रख दी, AC की वैल्यू हमने देखी। तो जो त्वरण होता है वो BC / AC के बराबर होता है, मैंने यहां पर लिख दिया A = BC / AC, AC को इधर ले जाए, A को इधर ले जाए, तो BC / A इसका सिंपली वैल्यूज पुट कर दी और हमारा थर्ड इक्वेशन हमने वेरीफाई कर दिया, थर्ड इक्वेशन यहां पर प्रूफ हो गई है, ठीक है। आई होप आपको तीनों इक्वेशन समझ में आ गई होंगी, अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, थैंक यू।